कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को 9वें दिन भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। ऐसे में उपभोक्ताओं का कहना है कि गर्मी का नोतपा जरूर खत्म हो गया है, लेकिन लगता है कि पेट्रोल डीजल का नोतपा जारी है। कोरोना महामारी और बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच जनता की जेब रोज ढीली हो रही है। दरअसल तेल कंपनियां जून 2017 के बाद से रोजाना के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा कर रही है। इससे पहले करीब 12 हफ्तों तक कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के मूल्य में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। वहीं 7 जून से दाम में लागत के हिसाब से फेरबदल शुरू कर गए। सोमवार के 9वें दिन भी ईंधन के दाम बढ़े। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के भाव में तेजी रही। यहाँ पेट्रोल में प्रति लीटर 51 पैसों की बढ़ोतरी होकर पेट्रोल 83 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच गया, जबकि डीजल में 58 पैसे की वृद्धि होकर डीजल के दाम 75 रुपये 50 पैसे हो गए। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 9 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में 5 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर साल 2018 में भी पेट्रोल के भाव 80 रुपये लीटर से ऊपर आए थे, लेकिन तब कच्चे तेल का रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $75 प्रति बैरल से ऊपर था, जबकि इन दिनों क्रूड ऑयल $38 प्रति बैरल से नीचे है। इसके बावजूद भी जनता के लिए ज़रूरी ईंधन के दाम में नोतपा लगा हुआ है। पेट्रोल में बाकी कम होना चाहिए। कई लोग जैसे मैं जैसा राजमंदर ड्यूटी करता हूँ, वहाँ हमारे को भी कम 5-1 हज़ार मिलते हैं। अभी 100-50 रुपये का कम, जब 10 दिन चलाऊंगा जो कम पैसे होना चाहिए पेट्रोल में पहले प्रथम यही है। अब सेठ लोग तो क्या है भरा के ले जाएंगे, वो गरीबों का क्या होगा। रात के लेवल पे तो पेट्रोल का भाव बहुत कम है, लेकिन ना राज्य सरकार सोचती है ना केंद्र सरकार सोचती है। गरीब जनता वैसे दबी हुई है, बेरोजगारी वैसे ही हो रही थी, अभी 2-3 महीने के लॉकडाउन ने वैसे लोगों को तोड़कर रख दिया। इसमें भाई साहब राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए।